हम लोग आज डिस्कस करेंगे योर चॉइस कि आप लोगों को पता है आ ही गया है लोग आज मान के चले दिन बचे दिन में कैसे क्या करना आज हम लोग। तो कई लोगों का सवाल रहता है कि सर अब क्या करना है कि व्हाट इफ आई स्टार्ट नाउ। तो सर पहले आप देखेंगे तो ये सवाल ही एक जन आप लोगों को स्टार्ट करना होता तो आप बहुत पहले स्टार्ट कर चुके। लेकिन अगर अभी भी आप ये सवाल पूछ रहे हैं तो आपके अंदर कहीं ना कहीं है कि मुझे बेसिकली कुछ चीजें हैं में डेडिकेशन और कंसिस्टेंट। आती है डिसिप्लिन। अगर हम लोग डिसिप्लिन नहीं रहेंगे तो हम कुछ नहीं कर। पहले तो आप डिसिप्लिन रहना सीखिए, कंसिस्टेंटली चीज़ों को करना सीखिए, स्टार्ट करना सीखिए। तो अगर आप अभी से भी शुरू करेंगे आप लोग कर सकते। सवाल का कोई मतलब नहीं है व्हाट इफ आई स्टार्ट। आप कभी भी स्टार्ट करो। जैसे कि आपने सारे साल तो अपना मोए मोए देखा, अब आपके साथ मोए मोए, तो अब स्टार्ट करो अभी। कोई दिक्कत भी कम नहीं, अभी भी हम शुरू। तो आगे वाले सवाल पे चलते। कैन आई स्टिल कवर द डिटेल सिलेबस। डिटेल सिलेबस तो अब उसकी बात करें तो पूरा लगता है करीब 1 साल। लेकिन हर एग्जाम की एक नीड हो तो पूछा नहीं जाता है। कुछ चीजें पूछी निशा कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कौन सा। क्योंकि आप लोगों को दिक्कत लेने के लोग यहां पे कर देंगे। आपको कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं। ठीक है, तो आप अभी डिटेल्ड पे ना जाके उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे जाइए जो कि असल में ज़रूरत है, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं डिटेल में नहीं। तो हम लोग उस टॉपिक्स के गो थ्रू करेंगे कहाँ से सेट क्वेश्चन जाते हैं, तो उस चीज़ की आप दिक्कत मत लीजिए। NCERT is necessary to read. पूरा जो एग्जाम है NCERT पे, ये तो सवाल होना ही नहीं चाहिए क्योंकि RT से ही पेपर आता है। NCERT नहीं करेंगे तो हमें क्वेश्चन कैसे, ना ही अगर NCERT रीड नहीं करेंगे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। क्योंकि आज का जो पेपर है उसका पैटर्न है AR टाइप, AR पूछे जा रहे भर भर के, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, जो कि बायोलॉजी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है NCERT रीड करना। NCERT बहुत ज़रूरी है, तो हम लोग यहाँ पे तो कवर कर देंगे पूरी इसी चैनल पे। हम लोग पूरी NCERT बायोलॉजी कवर कर देंगे, पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विद क्वेश्चन। तो उस चीज़ को आप लोड मत लीजिए, हम लोग यहाँ पे कवर कर देंगे। आप इस चैनल पे बने रहना। तो बाकी और केमिस्ट्री, केमिस्ट्री भी आजकल आप पैटर्न देखेंगे केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं स्पेशली इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक स्टेट फ्रॉम NCERT स्टेट। तो ये लो ये पर ये चीजें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक किसी भी NCERT बेस्ड टेस्ट सीरीज कवर हो जाएगी, जो कि यहां पे मैं बता दूंगा कि आपको कौन सी टेस्ट सीरीज। तो पर बायो की तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी क्योंकि वहां से आज के मैंने मैंने ट्रेंड देखा कि
अप्रोक्स 50 क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज ट्रू फॉल्स और एआर के आ रहे हैं, स्टेटमेंट एआर और ट्रू। तब तक इसके हम गो थ्रू नहीं होंगे एनसीईआरटी के, ये क्वेश्चन हम नहीं कर पाएंगे। तो हम लोगों का काम क्या है, यहाँ पे हम एनसीईआरटी बायोलॉजी की पूरी कवर करेंगे, पूरे पीवाईक्यूज सब कुछ। तो आपको उस चीज कर लेने की कोई जरूरत है, ठीक है। आगे बढ़ते, व्हाट टू डू नाउ, अब क्या करना चाहिए। देखो अंतिम समय है, रिवीजन प्रायोरिटी होनी चाहिए और प्रैक्टिस। प्रैक्टिस अगर नहीं करोगे तो कुछ नहीं, जितना पढ़ा उसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है होना। अगर नहीं करेंगे तो हम कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा, और अगर हाँ कॉन्फिडेंस नहीं आ पेपर में जाके चीज़ें खराब हो। तो पहले हमें जितना पढ़ा उसका रिवीजन, उसका प्रैक्टिस ज़रूर करनी, और प्रैक्टिस के लिए आपको मॉक टेस्ट ज़रूर देना। मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी, प्रैक्टिस तो आपको करनी ही करनी है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसी चैनल पे हम लोग एनसीईआरटी बायोलॉजी कवर करेंगे। मैं क्या कवर करेंगे, हम लोग पूरा जो टॉपिक है वो समझेंगे, और उसके जो क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है और जो आ चुके हैं, जो PYQs हैं वो, और जो आने की प्रोबेबिलिटी आगे आएंगे वे हम लोग यहाँ कवर करेंगे। आपको बायोलॉजी में चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे हम लोग सारा कवर करेंगे। और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स, उनका भी आपको यहाँ प्रॉपर गाइडेंस मिलता रहेगा। तो जितना टाइम बचा है उसको आप उपयोग करें और कंसिस्टेंट रहें। कल से लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी की आरटी की, आप लोग यहीं बने रहें हमारे साथ, और परेशानी कोई आवश्यकता नहीं है, लोग आपका एंड तक साथ देंगे। जो भी दिक्कत है, जो भी परेशानी आप कमेंट्स में बताएं, हम उसका निवारण करें।